दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा को 22 सालों के बाद एक बार फिर से री रिलीज किया गया था और यकीन मानिए फिल्म को बड़ा ही शानदार रिस्पांस मिला है। और जैसा कि मैं आपसे कल से बता रहा हूँ कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली है, ताबड़तोड़ कलेक्शन करने वाली है, तो दोस्तों अभी ऑफिशियली अपडेट आ चुका है कि फिल्म का पहले दिन का कितना कलेक्शन रहा एक बार फिर से दोबारा रिलीज होने के बाद, और आज अपने दूसरे दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर रही है। तो दोस्तों बात करने वाले हैं इसी के बारे में, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। नहीं दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें फिल्म गदर एक प्रेम कथा की, तो साल 2001 में रिलीज हुई थी ये फिल्म और उस टाइम इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन करके सारी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था और सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल है फिल्म। अगर मैं बात करूं फिल्म के उस टाइम के कलेक्शन की, तो फिल्म ने 78 करोड़ रुपए की कमाई इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से 133 करोड़ रुपए कमाए थे। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गदर एक ऐसी फिल्म है जिसके नाम सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड वो है कि गदर फिल्म ने सबसे ज्यादा टिकट बेचे थे। गदर फिल्म से ज्यादा आज तक कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जिसने गदर के बराबर टिकट बेचे हो। अब यहाँ पे अगर बात करें फिल्म के दोबारा रिलीज होने की, तो फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित थे इस फिल्म के लिए, क्योंकि गदर 2 आ रही है 11 अगस्त को और फिल्म के मेकर्स का फैसला था कि गदर 2 से पहले गदर को रिलीज किया जाए, और वजह थी कि गदर 2 की हाइप बनाई जाए। लेकिन गदर 2 तो जो गदर मचाएगी वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल गदर ने बाकी गदर मचा दिया है। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी अहम किरदारों में नजर आ रहे। वैसे एक बार फिर से ये फिल्म को री रिलीज किया गया है, तो 4K रेजोल्यूशन में इस फिल्म को एक बार फिर से फिल्माया गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों पहले जब ये फिल्म बनी थी तो 19 करोड़ रुपए बजट था फिल्म का, लेकिन अब जब दोबारा इस फिल्म को रिलीज किया गया है तो लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च और हुआ है। लेकिन अगर बात करें फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो पहले दिन फिल्म का जो ऑफिशियली कलेक्शन रहा वो रहा लगभग 40 लाख रुपए का, और अपने आप में काबिले तारीफ, क्योंकि फिल्म को सिर्फ और सिर्फ 400 से कम ही स्क्रीनों पर रिलीज किया गया था और जो टिकट का प्राइस है वो है सिर्फ 75 रुपए। तो आप अंदाजा लगाइए कि 30 लाख रुपए एक बार फिर से दोबारा रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर कमाए हैं, इतनी लिमिटेड स्क्रीनों पर रिलीज होने के बाद। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं दूसरे दिन यानी कि आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज ये फिल्म लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर रही है। तो फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है दो दिनों का, वो लगभग 1 करोड़ रुपए के आंकड़े तक पहुंचने वाला है, और कल संडे है और फिल्म की स्क्रीनों में भी और बढ़ोतरी होने वाली है क्योंकि फिल्म की डिमांड अब ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों आपने देख ली फिल्म, दोबारा ये सिनेमाघरों में जाकर कमेंट में जरूर बताइएगा।